गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। ड्यूटी से आ चुकी हूँ। आती है ये देखो क्या सब लाए हैं, पार साग, टमाटर और बेरी और पकौड़े, मुरमुरे खाएंगे और इसका अचार बनेगा, इसलिए खरीद के लाए हैं आज। मैं तो उस दिन लाए थे स्कूल से, मैं लाई थी और दूध भी देकर चले गए। और आज बनेगा चिकन जो मैरिनेट हो रहा है, मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं। नमक, हल्दी और सरसों का तेल लगा कर अभी रख देंगे 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद बनेगा ये चिकन, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और क्या, इसलिए ऐसा करते हैं हम। और ये तो आज जीरा धनिया पाउडर भी मिक्स कर रहे हैं, सभी डाल दिया। और क्या, तो और अच्छा बनेगा। जितना मैरिनेट करोगे मसालों के साथ चिकन को, चिकन उतना ही अच्छा बनता है। ये लास्ट में नमक डाल दिया और सरसों का तेल भी डालेंगे। आज थोड़ा ज़्यादा ही डाला, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ बोलती हूँ तो झगड़ा हो जाता है, तो इससे बेहतर है वो बनाते हैं, वो अपने हिसाब से बनाए, है ना, बोलो तो। और क्या, मुझे तो खाने से मतलब है, वो बनाएंगे और मैं खाऊंगी। आप लोग बोलोगे कि कल ही बोला तो नहीं खाऊंगी, क्या करें, एक ही घर में होता नहीं ऐसा, चिकन क्या दो बार बनाए हम, बोलो तो वही खाना होगा। और अभी चलो, कप नहा लिया है, 2 बाल्टी कपड़े रोज के मेरे होते ही है, चलो टांग देती हूँ रस्सी पर। आज कुछ अलग तरह के कपड़े है, आज सर्दी को टाटा बाय बाय करने की बारी है। आज मैं लास्ट बार के लिए जो सर्दियों में जो होता है मेरी ड्यूटी, वो धोकर रेडी कर रही हूँ। ये देखो ब्लैंकेट के 2 कवर है और क्या है, और मेरा स्वेटर है, शॉल है एक, तो वही बाकी था, बाकी पहले ही धो लिया है। अभी इनको दीवान के अंदर रखने के लिए रेडी करूँगी, पहले अच्छे से सूख जाए। ब्लैंकेट को भी धूप में दे दिया है, ये देखिए। और ये सब मेरी ड्यूटी होती है, और मेरी ड्यूटी सब होती है, सिर्फ प्रीतम के पापा लंच में थोड़ी हेल्प करते हैं, बना लेते हैं, वो देखकर आप लोगों को लगेगा कि वो ही सब करते हैं। किचन को इतना गंदा करते हैं, साफ करते करते मेरा 1 घंटा जाता है। और अगर मेरे हाथों का उनको पसंद होता तो मैं चुपचाप कब खाना बना लेती, किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन उनके पीछे लगना भी पड़ता है और लोगों से सुनना भी पड़ता है कि पति के हाथ से बना हुआ खाना खाता है, तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे हस्बैंड खाना बनाते हैं, ऐसे मुझे लोग बोलते हैं और सोचते हैं। मैं कुछ नहीं करती, घर पे ऐसे बैठी रहती हूँ। ये देखिए पाट साग भी बनेगा चिकन के साथ, तो पाट साग बनने की तैयारी हो चुकी है ये। और मैंने भी हेल्प किया, वो अकेले नहीं करे, पाट साग नहीं चुने, मैंने भी चुना है। ये देखो अभी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और फिर छौंका लगाने की बारी है। और इधर चिकन की तैयारी हो रही है, आलू फ्राई हो रहे हैं, चिकन में थोड़ा आलू भी हम देते हैं, अच्छा लगता है। चिकन मटन का जो आलू होता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और चलो ये खाना बना ले, मैंने जो जो करना था कर दिया, मसाले वगैरह सब कुछ रेडी करके दिया है, बर्तन सब हाथों के सामने, तो ये बना ले। लास्ट में मैं चावल चला दूंगा, तो मेरी ड्यूटी कम्प्लीट। तो जी सुबह होते हैं, मेरे हस्बैंड जी ने बोला क्या लाना है आज, क्योंकि आज 2 गेस्ट भी आने वाले हैं। तो मैंने बोला ऐसे ही हमारे घर में तो रोज़ बहुत कुछ ही बनता है, ये नहीं कि गेस्ट आ रहे हैं तो ज़्यादा कुछ बनेगा, लेकिन हाँ तुम चिकन लाओ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, और चिकन बना लो तो साथ में और एक बस, और कुछ नहीं लगता। चिकन मटन जिस दिन ही बनाओ तो साथ में एक और चाहिए, सब्जी या साग कुछ, बस और कुछ नहीं लगता। तो मैंने बोला वही लाओ, और बहुत दिनों बाद आज चिकन लाए, वो लास्ट चिली चिकन बनाया था। हाँ, और ये देखो लहसुन फ्राई हो रहा है, और उन्होंने बोला कि आज कम तेल, जितना कम तेल हो सके उसी में ही खाना बनाएंगे, और गुस्सा मत हो, खा लेना, एक ही घर में ऐसा होता नहीं ना कि दो बार खाना बने दो तरीके का, 2 लोगों के लिए ऐसा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनके हाथ से तेल थोड़ा ज़्यादा होगा ही। तो जी ये देखिए चिकन भुनना कम्प्लीट, अभी पानी डाल दूंगी। प्रीतम के पापा आधा काम करके चले गए कहीं काम से, काम है इसलिए गए, और इधर चावल चढ़ा दिया है, पाट साग बन चुका है बस। और क्या, अभी इसमें चावल डालूंगी, चावल धोकर, और इसमें पानी डालूंगी चिकन में, दोनों बनते बनते
मैं कुछ रील्स बना लेती हूँ और प्रीतम घर पे है जानते हो, बदमाशी तो करेगा ही। प्रीतम ऐसा नहीं कर। तो जी रील्स बनाना कंप्लीट, चावल भी हो चुका है, मार प्रसाद ने दे दिया है। अभी चलो ब्लैंकेट और उसके कवर को घर लाती हूँ। कवर सूख गया है, ब्लैंकेट भी धूप में हो गया, देना इतने देर देना था। अभी कवर लगा के एकदम रख देती हूँ, सिर्फ प्रीतम के पापा डिवन के अंदर रख देंगे बस इस साल के लिए। ब्लैंकेट टाटा बाय बाय। और मेरे भी सब जो गर्म कपड़े हैं सब भूल चुके हैं, अभी सूखते ही मैं शाम को भी उनको भी स्टोर कर दूंगी, बस शांति। लेकिन सर्दी जाने की गम तो रहेगी, मुझे बहुत बुरा लगता है गर्मी। जब सर्दी आने वाली होती है ना, जब मैं ब्लैंकेट निकालती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है कि 4 महीने तक अभी शांति, गर्मी से छुटकारा, आराम से खाओ पियो सोते रहो, कोई परेशानी नहीं बाहर जाने के लिए। और सर्दी में गर्मी में बस घर ही ठीक है। और खाना पीना हल्का खाओ, नहीं तो पेट गर्म हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ये नहीं कि होता नहीं। और बेचैनी होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, एंग्जाइटी है मुझे, तो मुझे गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन मेरी बात से कि गर्मी रुक जाएगी, उसको जब आना होगा आएगी और सर्दी को जब जाना होगा जाएगी। तो चलो खुशी खुशी सर्दी को विदा करते हैं। चलो इस काम में मुझे कोई हेल्प नहीं करता, बाप बेटे दोनों घर पे है लेकिन कोई मुझे हेल्प नहीं करेगा, मुझे ही करना होता है। साल में ये ड्यूटी एक दो बार ही होती है, जब मैं ब्लैंकेट के जो कवर है उनको निकाल कर धोकर फिर लगाती हूँ, लेकिन ये मुझे अकेले ही करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता है। जो लोग करते हैं वही जानते हैं, अकेले करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई हेल्प नहीं है इस बारे में। सर मेरे हस्बैंड जी कोई हेल्प नहीं करते, कर लो खुद कर लो, और आराम से सोने के टाइम आराम से ओढ़ के सो जाते हैं। और ये जो कवर है वो मैंने ही बनाया है मशीन में, मेरे घर पर ही। इतना तो सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है सिलाई में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ड्यूटी और घर के काम करते करते सिलाई मेरी ठप हो गई, सिलाई का काम मैं कुछ कर ही नहीं पाती। नहीं तो मैंने सीखा है, डिप्लोमा किया है, और अभी घर के छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, कवर बनाना, फॉल लगाना, और जो कुछ अगर फट जाए कपड़े उनको सिलाई कर लेना मशीन से। लेकिन जो मैंने स्टिच बहुत तरीके के सीखे हैं वो सब हो नहीं पाता, और आंखों में भी परेशानी होती है, तो मैंने वो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जितना सोचूंगी उतना बुरा लगेगा, और आंखों से ज़रूरी तो कुछ नहीं होता है ना। तो घर के कुछ सिलाई का काम कर लूँ यही बहुत है, यही मान लिया है मन से, और क्या करें बोलो। तो चलो ये ब्लैंकेट रेडी, और एक को भी कवर चढ़ा देती हूँ, फिर लंच खाने जाऊंगी, भूख लग गई है थोड़ी थोड़ी अभी। तो जी सबका खाना हो चुका है, अभी मेरी बारी है, 3 बज गए। इतना लेट मैं नहीं खाती, लेकिन गेस्ट आएंगे तो क्या उनसे पहले खाऊंगी। ये देखो बैंगन भाजी लास्ट में बनाई, और चिकन और साग, गरम गरम चावल। तो चलो खाना कंप्लीट करती हूँ। तो जी लंच कंप्लीट, अभी लंच के बाद थोड़ी मीठे की बारी है, तो मिठाई घर पे है नहीं, तो प्रीतम को बोला सामने की दुकान से लाया मेरे लिए एक लोटो, उन खुद के लिए एक लोटो। और वो खा भी चुका है, मेरे बर्तन धोते धोते उसका खाना कंप्लीट। एक लोटो, सिर्फ एक लोटो। मजा है। ओ, सिर्फ लोटो खाया है, मजा अभी तक नहीं खाया है। मैं खेलने जाने के बाद खेल सागर नहीं, ओ वहाँ पे खाओगे। फिर कोई बच्चा अगर मारने दौड़ा तो मुझे दो। हाँ ठंडा मत करो, इस वेदर में अगर ठंडा खा लेगा ना, फ्रिज का ठंडा, तो बस तबीयत एकदम बिगड़ जाएगी। और क्या, अभी थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ, फिर आप लोगों से शाम को मिलती हूँ, क्योंकि ऐसे ही लेट हो चुका है। अभी थोड़ी सी रेस्ट नहीं करूँगी तो मर जाऊँगी। सुबह 6 बजे से उठी हूँ, 5:30 बजे से, 6 या 5:30 बजे से मेरी जो गाड़ी है अभी तक चल रही है, तो अभी ब्रेक की ज़रूरत है, और ब्रेक है लोटो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आप की रानी आप लोगों से मिलने, और अभी बज रहे 6:30। मैं क्या कर रही हूँ ये देखिए, स्वेटर शॉल जो है सब तो धो लिए है, अभी
अंदर रखने की बारी है, दीवान के अंदर कुछ है, कुछ जो मेरे है इस अलमारी में है, सब मैं दीवान के अंदर नहीं रखूंगी, ये सब रखूंगी, ये चार, और बाकी और दो स्वेटर, पांच, एक दो तीन, हाँ चार, और दो जो शॉल है छोटे छोटे वो इस अलमारी में ही रख दिया है। और प्रीतम के पापा एक बोरी करेंगे बड़ा वाला, जिसमें प्रीतम और उसके पापा का होगा, और मेरा ये छोटे से किसी बोरी में ही आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पांच बाल्टी, एक पूरा और एक हाफ, ये पूरा देखो, ये पूरा नीचे और ऊपर, ऊपर नीचे दोनों, ये पूरा अलमारी, इसका हाफ अलमारी, उधर पांच दस बाल्टिया, सब मेरे कपड़े हैं, और चेयर के ऊपर भी इसके कपड़े हैं, सब मेरे कपड़े हैं। सीक्रेट फास हो गया मेरा आज, सीक्रेट फास कर दिया प्रीतम ने आज, क्या करे बोलो, खरीदते ही जाती हूँ और खराब भी नहीं होते, मैं अच्छे से ठीक से रखती हूँ, और वीडियो के लिए जरूरी भी होता है। आगे क्या करती थी, थोड़े बहुत खराब हो जाए तब दे देती थी, और अभी लगता है ना सब ठीक ठाक करके रखो, एक एक दिन एक एक वीडियो में पहनना होता है ना, लगता है बहुत दिनों बाद वो ड्रेस पहनूं तो वीडियो अच्छा दिखेगा, और नहीं तो एक ही ड्रेस पहन के रोज रोज कैसे करो। ये भी देखो मैंने आज पहनी है वीडियो के लिए, ये पहनकर शायद कभी मैंने वीडियो बनाई ही नहीं, लेकिन आज बोलो ना बहुत काम था, फिर भी रील्स बनाना था तो सोचा इसी को पहन के बना लेती हूँ, कंफर्टेबल भी है और रील्स भी बन जाएंगे तो फाकीबाजी भी नहीं होगा। फाकीबाजी मतलब ऐसे नहीं कि जोर जबरदस्ती, लेकिन मुझे अच्छा लगता है और काम भी करना पड़ता है, घर के इतने काम थे, आज गेस्ट आए थे दो दो गेस्ट, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत तो काम बढ़ता ही है, आप लोग जानते हो। तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि वो दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए, लेकिन काम सोच ही सकते हो, दो लोग भी हो ज़्यादा तो काम बहुत बढ़ जाते हैं। मैंने आज 3 बजे खाना खाया, लंच खाया, जो मैं 2 बजे या 1:30 बजे खा लेती हूँ, नहीं 12 बजे नहीं 2 बजे या 1:30 बजे खा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने 3 बजे खाया, क्योंकि सब काम करते करते सबको देते देते बज गए, कब टाइम निकल गया पता नहीं, तो इसलिए मैंने आज ये कुर्ती पहन कर ये शॉर्ट भी बना लिया, अभी पहन कर रख सकती हूँ, नाइटी जैसा ही लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट ये सब नहीं है, लेकिन शॉर्ट वीडियो थोड़ा अलग सजो धजो, थोड़ा फिटिंग्स वाले कपड़े पहनो या साड़ी पहनो तभी अच्छा लगता है, मैं जानती हूँ, लेकिन हर रोज एक साथ नहीं होता है। तो चलो मैं अभी विंटर को टाटा बाय बाय करती हूँ, मेरे हिस्से का जो काम है मैं कर चुकी हूँ, ये देखिए ये बोरी में भरे जाएंगे, मैं हेल्प करूंगी प्रीतम के पापा को, और ये भी मेरी ड्यूटी है, बाकी सब प्रीतम के पापा की ड्यूटी है। प्रीतम हेल्प करेगा पापा को, करेगा पापा को हेल्प करेगा, तो वो दोनों जब रेडी कर लेंगे तब दीवान के अंदर जाएगा, वो भी जिस दिन होगा मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, और वो 1 महीने के लिए भी रुक सकता है, तो मैं अपनी चीजें बोल दूं कल दीवान के अंदर डाल दूंगी, प्रीतम के पापा को बोलूंगी खोलो डाल, क्योंकि फिर से ये गंदे हो जाएंगे बाहर रहेंगे तो, है ना। तो क्या, चलो आज का वीडियो मैं पेन करती हूँ, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा टाटा। और सर्दी जा रही है, मुझे थोड़ी सी भी खुशी नहीं हो रही है, फिर भी मानना तो पड़ेगा ही, मेरी खुशी है गम से कोई मतलब नहीं। टाटा ये बदमाशी करता जाएगा, टाटा।